आपको बताएं कि नेशनल क्लियरिंग कंपनी ने एनईडी यूनिवर्सिटी के इश्तराक से नेशनल साइबर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार कर लिया। इस सिस्टम की मजीद क्या खसूसियात है, ये जानेंगे कामरान शेख की इस रिपोर्ट में। नेशनल क्लियरिंग कंपनी ने एनईडी यूनिवर्सिटी के इश्तराक से नेशनल साइबर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार कर लिया। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम पहले मरहले में कैपिटल मार्केट को तहफ़ फराहम करेगा। ये सिस्टम किसी भी मशकूक या गैर मामूली सरगर्मी की निशानदेही करेगा। इस सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब सेनेट हॉल एनईडी यूनिवर्सिटी में मुनाकिद हुई। तकरीब में तुर्की के कौंसल जनरल तोलगाजक, नेशनल क्लियरिंग कंपनी पाकिस्तान के चेयरमैन हुमायूं बशीर, सीईओ मोहम्मद लुकमान, एनईडी के वाइस चांसलर डॉक्टर सरोज हशमत लोधी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ फारूक खान, जाफर ब्रदर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर वकारुल इस्लाम और आईटी इंडस्ट्री के नामवर माहिरीन शरीक हुए। इस मौके पर एक पैनल डिस्कशन भी हुआ जिसमें माहिरीन ने अपनी राय का इजहार किया। पाकिस्तान में इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसमें रिलायंट, सेल्फ रिलायंट भी हो सकें, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। ये प्रोडक्ट एक लोकल इंडिजीनियस प्रोडक्ट होगी और जो आजकल के हालात हैं उस एतबार से भी पाकिस्तान अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट अपनी डेवलप कर लेता है जो सिक्योरिटी में अच्छा काम दे या अच्छा उसका सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को वो फॉलो करे तो इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान। ये सब चीज़ें हमें एक नए लेवल पे ई कॉमर्स पे और पेमेंट सॉल्यूशंस में और दूसरे एरियाज में लेके जाएगी। नेशनल साइबर सिक्योरिटी सिस्टम साइबर सिक्योरिटी पर होने वाले हमलों और नकबजनी को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। सिस्टम खतरात की निशानदेही के साथ गैर मामूली रवैयों की भी निशानदेही करेगा। कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची।